हेलो स्टूडेंट, 1C चल रही थी आप लोगों की एक्सरसाइज, जिसके क्वेश्चन नंबर सेकंड तक कंप्लीट हो गए थे आप लोगों के, है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड स्टार्ट कर रहे हैं। वो कह रहा है इक्वल सेट्स। थर्ड में क्या कह रहा है? इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स कब होता है? दोनों के एलिमेंट सेम हो, भले ऑर्डर आपका डिफरेंट हो। देखिए जैसे ए के अंदर एलिमेंट देते हैं 1, 2, 3, 4, है ना। बी के अंदर एलिमेंट दे दिया अपन ने 4, 3, 3, 1। तो देखो एक एलिमेंट को एक ही बार लिखोगे, ये कितना हो जाएगा? 1, 2, 3, 4 ही हो जाएगा। दो बार आया तो नहीं, तो वो था इक्वल सेट्स। ऑर्डर भले ही चेंज हो, दोनों कैसे होंगे? एक जैसे सेट्स होंगे, इसे कहते हैं इक्वल सेट्स। अब देखिए थर्ड का फर्स्ट पार्ट, थर्ड में यही कह रहा है कि कौन कौन से सेट्स इक्वल सेट्स हैं, कौन से नहीं हैं, ठीक है ना। तो वही अपन को देखना है कौन से थर्ड में। अब देखिए थर्ड में ए के अंदर दे रहा है आपका 3rd का 1st, वो क्या दे रहा है? ए इक्वल टू दे रहा है सेट ऑफ वर्ड्स दे रहा है अपन को, कौन से? एलॉय, ALLOY, ठीक है। और बी में दे रहा है लॉयल, LOYAL। अब आपसे कह रहा है इक्वल सेट है या नहीं, तो ए के अंदर एलिमेंट कौन कौन से हो जाएंगे? पहले ए ले लिया, फिर एल ले लिया, फिर ओ ले लिया, फिर वाई ले लिया। इसी प्रकार बी सेट्स में कौन कौन से हो जाएंगे? LOYAL। देखो एक ही वर्ड्स हैं आपके, मिल रहे हैं कि नहीं? L इसमें भी है, L इसमें भी है, A इसमें भी है, O इसमें भी है। L अपन डबल नहीं लिखना है, अपन को इसमें डबल आ गया, ठीक है। यह इसको अपन, इसको भी अपन भी लिख सकते हैं ALOY। तो वो थार कैसे हैं? इक्वल सेट्स। पहला वाला एलिमेंट, दोनों के एलिमेंट सेम हैं तो कैसा हो गया? इक्वल। सेकंड देखिए, सेकंड का इसी का फर्स्ट पार्ट, A बराबर दे रहा है आपको X such that X belongs to I, X such that X belongs to I, और कह रहा है आपसे X square less than equal to 4। तो देखिए इंटीजर्स ऐसे इंटीजर लेना है जिसका स्क्वायर कैसा हो? लेस देन इक्वल टू 4 हो। तो देखिए सबसे पहले अपन -3 लेते हैं, तो -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। ज़्यादा हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 के बराबर हो गया -1, 0, 1, 2, ठीक है। अब बी एलिमेंट देखें, बी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स दे रहा है अपन को? वो कह रहा है X such that X belongs to R, और क्या दे रहा है? X square minus 3X plus 2 = 0, X square minus 3X plus 2 = 0, यही है ना। अब इसके फैक्टर कर लें बी सेट्स के, कितना हो जाएगा आपका? रफ में लिख लो, 2×2 X square minus 3X plus 2, कितने हो जाएंगे? X square minus 2X minus X plus 2 = 0, X common X minus 2 minus common X minus 2 दोनों में से कॉमन ले लें X minus 1, तो X = कितना आ जाएगा? 2 और X = 1, तो B = कितना आ जाएगा? 2 और 1। देखिए दोनों से एलिमेंट एक से है क्या? नहीं है, इसमें नेगेटिव भी है, इसमें केवल पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो A is not equal to B। इसी समझ में आ गया? वो कह रहा है X such that X belongs to I, कोई इंटीजर ले लिया अपन ने, ऐसा इंटीजर ले लिया, इसका स्क्वायर कैसा कह रहा है? लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए? 4 के इक्वल होना चाहिए, तो -2 ले लिया, -1, 0, 1, 2, ठीक है। इसी प्रकार इसके फैक्टर कर लिए, इसके फैक्टर कितने आए? 2 और 1, वो था नॉट सेम, A is not equal to B, तो अपन क्या कह देंगे? ये कैसे हैं आपके? इक्वल सेट्स नहीं है, ठीक। इसमें आपके नेक्स्ट पार्ट देखिए, थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट पढ़ के देखो जरा, कर पाओगे कि नहीं। थर्ड का थर्ड पार्ट दे रहा है आपको, ए इक्वल टू दे रहा है 1, 2, 2, 3, ठीक है ना।
क्या दे रहा है, ए की वैल्यू 1, 2, 2 और 3, ठीक है। और वी के एलिमेंट दे रहा है 1, 2, 3, बी के एलिमेंट कितने दे रहा है 1, 2, 3। देखिए मैंने बताया था आपका कि डबल एलिमेंट्स वाले वो अपन को सिंगल एलिमेंट एक ही बार लिखना है 1, 2, 3, और बी के एलिमेंट कितने दे रहा है 1, 2, 3। दोनों में कैसे हैं, सेम एलिमेंट हैं, तो क्या हो जाएगा, ए इजकल टू बी, ए और बी के एलिमेंट सेम है यानी बोथ आर इक्वल सेट्स। नेक्स्ट देखिए थर्ड का फोर्थ पार्ट, कितने पार्ट्स हैं, हाँ फोर लास्ट पार्ट है। इसमें दे रहा है एक इक्वेशन दे रहा है एक्स सच दैट एक्स, इक्वेशन दे रहा है इसका सॉल्यूशंस है ना, क्या दे रहा है, ए इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है। एक इक्वेशन ये दे रहा है और बी के अंदर एलिमेंट दे रहा है -2 और -3, ये सॉल्यूशन दे रहा है इसका एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इजकल टू 0, ठीक है। और सेकंड दे रहा है -2 और -3, तो देखो इसकी इक्वेशन ही निकाल लें, एक्स स्क्वायर प्लस कितना है 5x प्लस 6, 3, 2 या 6, 6 के से फैक्टर और 5 जाए, 3, 2, 6 हो जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इजकल टू 0, एक्स कॉमन x प्लस 2 प्लस 3 कॉमन x प्लस 2 इजकल टू 0, एक्स प्लस 2 दोनों में से कॉमन ले लें अपन, एक्स प्लस 2 दोनों में से कॉमन ले लिया, क्या बच जाएगा, x प्लस 3 इजकल टू 0, तो x प्लस 2 इजकल टू 0 और x प्लस 3 इजकल टू 0, तो x इजकल टू कितना आ जाएगा -2, x इजकल टू -3, तो a के अंदर एलिमेंट कितने आ गए -2 और -3, b के अंदर भी एलिमेंट कितने थे -2 और -3, यानी बोथ आर इक्वल सेट्स। इसके भी एलिमेंट एक ही 2 और -2 और 3 आ गए, और बी के अंदर भी एलिमेंट कितने थे -2 और 3, तो कैसे आ गए, बोथ आर इक्वल सेट्स। तो आपका ये थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया ना। फोर्थ पार्ट देखिए अपन, फोर्थ पार्ट में दे रहा है नल सेट एक समुच्चय। तो अब देखिए फोर्थ पार्ट अपन करते हैं अपन स्टार्ट, फोर्थ पार्ट करें, 5 हैं इस एक्सरसाइज में सम्स। पिछले टर्न पे मैंने बता दिया था आपको रिक्त समुच्चय क्या होता है, नल सेट या एम्प्टी सेट, ए सेट विच हैज़ नो एलिमेंट, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो उसे नल सेट्स कहेंगे। इसमें दो ही पार्ट्स हैं दे रहा है, फर्स्ट दे रहा है ए सेट दे रहा है एक्स सच दैट एक्स, एक्स इज नॉट इक्वल टू एक्स, वो कह रहा है एक्स एक्स के बराबर नहीं होता, ये तो इम्पॉसिबल केस है, कोई संख्या उसके उसके बराबर तो होगी, 2-2 के बराबर होगा, 3-3 के बराबर होगा, 4-4 के बराबर होगा, यानी कैसा है आपका, दैट इज नॉट पॉसिबल, दैट इज नॉट पॉसिबल, यानी कैसा होगा ये नल सेट है ना, और एम्प्टी सेट्स मतलब इसके अंदर कोई एलिमेंट ऐसा होगा ही नहीं कि उसके उसके बराबर है ना। अच्छा सेकंड देखिए, सेकंड क्या दे रहा है, सेकंड दे रहा है अपन को x सच दैट x प्लस 5 इजकल टू 5, ठीक है। तो कोई सेट दे दिया, इसमें अपन क्या जोड़ें x में कि 5 आ जाए, 0 जोड़ दें, अगर 0 जोड़ देंगे तो काम हो जाएगा आपका, ठीक है। तो b के अंदर कैसा आ गया 0 प्लस 5 इजकल टू 5 हो जाएगा, यानी दैट इज़ नॉट कैसा, नल सेट नहीं है, दैट इज नॉट नल सेट्स है ना, मतलब रिक्त समुच्चय नहीं है, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो था पार्ट्स, 4 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया, लास्ट क्वेश्चंस बचा है, 2 पार्ट्स हैं, तो इसको भी अपन पूरा कर लेते हैं जिससे एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो वो कह रहा है एकल समुच्चय क्या होता है ना, सिंगल टर्न सेट्स, मैंने बताया था प्रोनाउंसिएशन सिंगल टर्न भी बोलते हैं सिंगल टर्न भी बोलते हैं, ए सेट विच हैज ओनली वन एलिमेंट, वैसा सेट जिसके अंदर केवल एक ही एलिमेंट हो, ठीक है ना, तो उसको क्या कहेंगे सिंगल टर्न सेट्स। तो क्या कह रहा है, सबसे पहले देखो
फाइव का फर्स्ट वो दे रहा है x सच दैट x क्या दे रहा है एक्स स्क्वायर इजकल टू नाइन एक्स स्क्वायर इजकल टू नाइन कैसा है इवन पूर्णांक है x क्या दे रहा है x एक सम पूर्णांक है मतलब इवन तो इसके वैल्यू क्या आएगी आपकी ए और क्या आएगा थ्री और माइनस थ्री लेकिन इसमें दोनों में से कोई सा भी नहीं है ना सम है ठीक है तो कौन सा कह रहा है एकल समुच्चय कौन से बताइए तो ये एकल समुच्चय ही नहीं है यानी कैसा हो गया खाली सेट्स हो गया इसके अंदर कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो कैसा है एक कौन सा इंटीजर कह रहा है आपको समपूर्णांक एक समपूर्णांक है मतलब सम संख्या आना चाहिए ये दोनों ही विषम है तो क्या हो गया खाली हो गया है ना सेकेंड पार्ट देखो मतलब वो कह रहा है ऐसा एक एलिमेंट आना चाहिए दूसरा कह रहा है बी बराबर कह रहा है एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इजकल टू 25 ठीक है ना इजकल टू जीरो एक्स स्क्वायर इजकल 25 एक्स स्क्वायर माइनस है एक्स स्क्वायर माइनस 25 इजकल टू जीरो और आल एक्स बिलोंग्स टू 9 तो इसकी वैल्यू निकालना है तो एक्स स्क्वायर माइनस 25 इजकल टू जीरो तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 25 तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा प्लस माइनस 5 यानी x बराबर 5 और x बराबर क्या दे रहा है माइनस 5 लेकिन वो कह रहा है अपन को इसमें जो वैल्यू आए इंटीजर्स वाली वो नेचुरल नंबर्स वाली लेना है तो नेचुरल नंबर्स वाली कौन सी आएगी नेचुरल नंबर कैसे होते हैं ऑलवेज पॉजिटिव तो कौन सी आ जाएगी केस केवल 5 कितने सेट हैं इसके अंदर एक ही एलिमेंट है यानी क्या हो जाएगा एकल समुच्चय क्या हो जाएगा एकल समुच्चय इसको अपन लिख सकते हैं सिंगलटन सेट्स या सिंगलटन सेट ये सेट विच हैज ओनली वन एलिमेंट केवल एक ही एलिमेंट आता है उसे क्या कहते हैं सिंगलटन सेट्स इसी समझ में आ गई दो वैल्यू आई थी लेकिन अपन को कौन सी लेना है बिलोंग्स टू एन यानी नेचुरल नंबर कैसे होते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव वाली कौन सी आ रही है केवल एक वैल्यू आ रही है इस एक ही एलिमेंट आया यानी सिंगलटन सेट्स इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे अपन ठीक है ना 1D उसमें क्या है बुक आप लोगों ने ले ली होगी सबसेट सबसेट की डेफिनेशन पढ़ के आना क्या बताया था ए और बी कोई दो सेट्स हैं ए के सारे एलिमेंट अगर बी में प्रेजेंट होते हैं ऑल द एलिमेंट ऑफ ए आर प्रेजेंट इन सेट ऑफ बी सो ए इज द सबसेट ऑफ बी ठीक है ना तो आज इतने ही रहने देते हैं ठीक ओके थैंक यू